Dear students, today in the class of web technology we will study about the DHTML. अब हम बात करेंगे DHTML की. HTML की बात कर रहे थे previous lectures में. अब हम DHTML की बात करेंगे. Introduction, इसके features, advantage, disadvantage के बारे में जानेंगे. DHTML stands for Dynamic HTML, यानी कि Dynamic HTML जो है वो DHTML कहलाता है. इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम HTML. HTML से बिल्कुल ये अलग है. द ब्राउज़र विच सपोर्ट द डायनेमिक HTML आर सम ऑफ द वर्जन ऑफ नेटस्केप नेविगेटर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑफ वर्जन हायर देन 4.0. ठीक है, इनका कहने का मतलब है जो ब्राउज़र इसे सपोर्ट करते हैं डायनेमिक HTML को, वो कुछ वर्जन्स हैं नेटस्केप नेविगेटर के और इंटरनेट एक्सप्लोरर के, वो वर्जन जो 4.0 से ऊपर के हैं वो DHTML को सपोर्ट करते हैं. समझ में आ गया? यानी कि DHTML को नेटस्केप नेविगेटर के कुछ वर्जन्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर के 4.0 से ऊपर के वर्जन सपोर्ट करते हैं. The DHTML is based on the properties of the HTML, JavaScript, CSS and DOM, यानी Document Object Model. जो DHTML है उसकी जो property है वो JavaScript, CSS यानी Cascading Style Sheet and Document Object Model, DOM जिसे कहते हैं, उस पर based होती है. Which helps in making dynamic content, और जो कि ये तीनों का जो properties हैं वो help करती हैं DHTML को एक dynamic content बनाने में. It is the combination of HTML, CSS, JavaScript and DOM. DHTML जो है वो combination है, चार parts हैं इसके, चार languages कह सकते हैं. HTML, CSS, JavaScript एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ठीक है, इन चारों के कम्बिनेशन से मिलके DHTML बनी है. द DHTML मेक यूज ऑफ डायनेमिक ऑब्जेक्ट मॉडल टू मेक चेंजेस इन सेटिंग एंड आल्सो इन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. तो जो DHTML है वो डायनेमिक ऑब्जेक्ट मॉडल के यूज को यूज़ करती है टू मेक चेंजेस इन सेटिंग एंड आल्सो इन प्रॉपर्टीज एंड मेथड. और जो सेटिंग है डायनेमिक ऑब्जेक्ट मॉडल की उसमें चेंजेस करती है, आल्सो इन प्रॉपर्टीज एंड मेथड, और उसके प्रॉपर्टीज और मेथड्स में भी ये चेंजिंग करने का काम करती है. DHTML आल्सो मेक्स यूज ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड इट इज आल्सो पार्ट ऑफ अर्लियर कंप्यूटिंग ट्रेंड्स. जो DHTML है वो स्क्रिप्टिंग को भी यूज़ की जा करती है और ये अर्लियर कंप्यूटिंग ट्रेंड्स का भी पार्ट है. ठीक है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो DHTML है वो चार मेन टॉपिक हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं या लैंग्वेजेस हैं उनका कम्बिनेशन है, जैसे HTML, CSS, JavaScript एंड DOM. ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है कि जब भी हम DHTML पर कोई काम करें तो हमें ये चारों लैंग्वेजेस आना या चारों ये एप्लीकेशंस पर वर्क करना आना चाहिए, HTML, CSS, JavaScript और DOM. ठीक है, DHTML allows different scripting languages. DHTML different scripting languages को allow करती है इन ए वेब पेज टू चेंज देयर वेरिएबल्स. यानी कि DHTML allow करती है different scripting languages को, जिसके आधार पर हम वेरिएबल्स में चेंजेस कर सकते हैं, वेब पेज में चेंजेस कर सकते हैं. विच इन्हेंस द इफेक्ट्स लुक्स एंड मैनी अदर फंक्शंस आफ्टर द होल पेज हैव बीन फुली लोडेड. विच इन्हेंस यानी कि ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं वो क्या करती हैं, द इफेक्ट लुक एंड मैनी अदर फंक्शंस, यानी कि वेब पेज के इफेक्ट को, लुक को और उसके अदर फंक्शन को, यानी कि पूरे होल पेज को
क्या करती हैं, हैव बीन फुली लोडेड, पूर्ण रूप से लोड करती हैं। DHTML इज यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड एनिमेटेड वेब पेजेस। DHTML इंटरैक्टिव और एनिमेटेड वेब पेज क्रिएट करने का काम करती है दैट आर जनरेटेड इन रियल टाइम, आल्सो नोन ए डायनेमिक वेब पेज, जो कि रियल टाइम में जनरेट किए जाते हैं वेब पेज। ऐसे वेब पेज इंटरैक्टिव और एनिमेटेड वेब पेज जो कि रियल टाइम में जनरेट किए जाते हैं उसके लिए DHTML यूज होती है, आल्सो नोन ए डायनेमिक वेब पेज। इन जो रियल टाइम में जो पेज क्रिएट किए जाते हैं उन्हें हम डायनेमिक वेब पेज भी कहते हैं। ओके, तो ये था DHTML का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ DHTML, DHTML के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द सम मेजर की फीचर्स ऑफ DHTML। पहला है टैग्स एंड देयर प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज्ड यूजिंग DHTML। जो टैग हैं और उनकी प्रॉपर्टी हैं वो चेंज की जा सकती हैं HTML का यूज़ करके। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर रियल टाइम पोजिशनिंग। रियल टाइम पोजिशनिंग के लिए हम DHTML का यूज़ करते हैं। डायनेमिक फॉन्ट्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग DHTML। DHTML का यूज़ करके हम डायनेमिक फॉन्ट्स को जनरेट करते हैं या कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग में के लिए भी हम DHTML का यूज़ करते हैं। इट मेक्स ए वेब पेज डायनेमिक एंड बी यूज टू क्रिएट एनिमेशन, गेम्स, एप्लीकेशंस अलोंग विद प्रोवाइडिंग न्यू वे ऑफ नेविगेटिंग थ्रू वेबसाइट। ये क्या डायनेमिकली वेब पेज बनाने का काम करता है DHTML, और एनिमेशन के लिए, गेम के लिए और एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए भी DHTML का हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ प्रोवाइड न्यू वे ऑफ नेविगेटिंग थ्रू वेबसाइट, और वेबसाइट के थ्रू नेविगेट करने का एक नया रास्ता भी प्रोवाइड DHTML कराता है। ओके, द फंक्शनैलिटी ऑफ ए वेब पेज इज इन्हेंस ड्यू द यूजेज ऑफ लो बैंडविड्थ इफेक्ट। जो फंक्शनैलिटी है वेब पेज की वो इन्हेंस होती है किसके कारण, द यूज ऑफ लो बैंडविड्थ इफेक्ट बाई DHTML, एंड DHTML लो बैंडविड्थ इफेक्ट को यूज करती है, इसलिए जो वेब पेज है उसकी फंक्शनैलिटी इन्हेंस होती है। DHTML आल्सो फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ मेथड्स, इवेंट्स, प्रॉपर्टीज एंड कोड्स। DHTML मेथड, इवेंट, प्रॉपर्टीज और कोड के यूज को भी फैसिलिटेट करती है। तो ये थे की फीचर्स ऑफ DHTML। अब हम बात करेंगे DHTML का यूज क्यों करें। ठीक है, वाई यूज DHTML? DHTML मेक्स ए वेब पेज डायनेमिक, बट JavaScript आल्सो डज द क्वेश्चंस अराइज दैट व्हाट डिफरेंट डज DHTML डू। ठीक है, DHTML क्या करता है, वेब पेज को डायनेमिक बनाता है, लेकिन जो JavaScript है वो आल्सो डज, वो क्या करता है फिर, द क्वेश्चन अराइज, ये क्वेश्चन उठता है कि अगर DHTML वेब पेज को डायनेमिक बनाता है तो JavaScript क्या करता है, दैट व्हाट डिफरेंट डज DHTML डू। तो जो अब ये देखना है JavaScript जो करता है और DHTML जो करता है उसमें डिफरेंस क्या है। सो द आंसर इज दैट DHTML हैज द एबिलिटी टू चेंज ए वेब पेज लुक। जो DHTML है वो क्या करता है, उसके पास एबिलिटी है कि वो वेब पेज के लुक को चेंज कर सकता है, कंटेंट को चेंज कर सकता है, स्टाइल को चेंज कर सकता है। वंस द डॉक्यूमेंटेड हैज लोडेड ऑन आवर डिमांड विदाउट चेंजिंग और डिलीटिंग एवरीथिंग। ठीक है, हमारे डिमांड पर वो वेब पेज के लुक को, कंटेंट को, स्टाइल को चेंज कर सकता है विदाउट चेंजिंग और डिलीटिंग एवरीथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो पहले से है उसे बिना डिलीट किए हुए, बिना चेंज किए हुए ये DHTML उसके वेब पेज के लुक को, स्टाइल को और कंटेंट को चेंज कर सकता है। ऑन द ब्राउजर्स वेब DHTML कैन चेंज द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज ऑन डिमांड विदाउट द ब्राउजर हैविंग टू इरेज एनीथिंग एल्स। ठीक है, वेब पेज जो है वो कंटेंट को बिना चेंज किए डिमांड के अकॉर्डिंग DHTML के कंटेंट को चेंज कर सकता है विदाउट इरेजिंग एनीथिंग एल्स। ठीक है, इसलिए हम
DHTML का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ DHTML। साइज ऑफ द फाइल आर कॉम्पैक्ट इन कंपेयर टू अदर इंटरनेशनल मीडिया लाइक फ्लैश और शॉकवेव एंड इट्स डाउनलोडेड फास्टर। ये क्या करता है, जो साइज होता है फाइल का उसे कॉम्पैक्ट करता है कंपेयर देन इंटरनेशनल मीडिया लाइक फ्लैश, और फ्लैश में जो फाइल होती हैं उसके अपेक्षा फाइल के साइज को कम करता है। इट इज सपोर्टेड बाई बिग ब्राउजर मैनुफैक्चरर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड नेटस्केप। ये सपोर्टेड है एक बिग ब्राउजर मैनुफैक्चरर लाइक माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप के द्वारा ये सपोर्टेड है DHTML। हाईली फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू मेक चेंजेस, हाईली फ्लेक्सिबल है और आसानी से इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। व्यूअर रिक्वायर नो एक्स्ट्रा प्लग इन फॉर ब्राउजिंग थ्रू द वेब पेज दैट यूज DHTML। यूजर को अलग प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं होती है जब वो DHTML पर वेब पेज को ब्राउज कर रहे होते हैं या क्रिएट कर रहे होते हैं। यूजर टाइम इज सेव्ड बाई सेंडिंग लेस नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। यूजर का टाइम सेव करता है जो लेस नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी जाती हैं। एज इट इज पॉसिबल टू मॉडिफाई एंड रिप्लेस एलिमेंट इवन आफ्टर ए प्लेस इज लोडेड। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट सेपरेट पेज फॉर चेंजिंग स्टाइल्स विच इन टर्न सेव टाइम एंड बिल्डिंग पेजेस। यानी कि इसे हर एक कंटेंट के लिए, हर पेज के लिए अलग अलग टाइम रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम डायरेक्टली ये टाइम को सेव करता है यूज़र के, ठीक है। इट हैज़ मोर एडवांस फंक्शनैलिटी देन ए स्टैटिक HTML। इट इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग मोर कंटेंट ऑन द वेब पेज एट द सेम टाइम। इट इज़ मोर एडवांस फंक्शन, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मोर एडवांस है देन ए स्टैटिक HTML, जैसे कि कंपेयर देन स्टैटिक HTML के कंपेरिजन में। इट इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग मोर कंटेंट होल्ड करने में कैपेबल है ऑन द वेब पेज ऑफ सेम टाइम। सेम टाइम में वेब पेज पर बहुत और अधिक कंटेंट को ये होल्ड कर सकता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें इसके, तो इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाई ऑल ऑफ द ब्राउजर्स, ये सारे ब्राउजर्स के द्वारा सपोर्टेड नहीं है। इट इज़ सपोर्टेड ओनली रिसेंट ब्राउजर सच एज नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोर 5.5 एंड ओपेरा 5, इनके द्वारा सपोर्टेड है। लर्निंग ऑफ DHTML रिक्वायर लॉट ऑफ प्रीक्विस्ट लैंग्वेजेस सच एज HTML, CSS, JS, ES। जब हम DHTML पे वर्क करते हैं तब हमें उसके साथ साथ जो अदर लैंग्वेजेस हैं जैसे HTML है, CSS है और JavaScript है, इनको भी सीखने की ज़रूरत होती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट ब्राउजर्स आर डिफरेंट, यानी डिफरेंट ब्राउजर्स पर DHTML का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। इवन आफ्टर बीइंग ग्रेट विद फंक्शनैलिटी DHTML रिक्वायर्स ए फ्यू टूल्स एंड यूटिलिटीज दैट आर सेम एक्सपेंसिव। जो इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो ग्रेट फंक्शनैलिटी है HTML की, रिक्वायर फ्यू टूल्स, जिस केवल कुछ टूल्स को यूज़ करती है एंड यूटिलाइज दैट आर मोर एक्सपेंसिव, और उन्हें यूटिलाइज करना एक्सपेंसिव है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा DHTML। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।